नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं, हो सकता है इस शख्स को आपने जरूर YouTube या सोशल साइट्स पर देखा हो। इस शख्स की लोकप्रियता रजनीकांत, शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बड़े लोगों को भी परेशान कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के सुपरस्टार अशरफुल आलम सईद यानी हीरो आलम की, जो आलम बोगरा के नाम से भी जाने जाते हैं। आलम ने बहुत सी बांग्लादेशी फिल्मों में काम किया है और लगभग 500 से भी ज्यादा गाने प्रोड्यूस किए हैं। आलम इतने फेमस है कि इनके बांग्लादेश में लोग इनके साथ सेल्फी लेने के लिए पागलों की तरह भाग्य आते हैं। अगर शाहरुख बॉलीवुड का किंग ऑफ रोमांस है, तो आलम को बांग्लादेश का किंग ऑफ रोमांस कहना गलत नहीं होगा। आलम की सालाना कमाई 2 करोड़ से ज्यादा है, जो कि न तो कोई बांग्लादेशी हीरो इतने कमा पाता है, न ही क्रिकेटर्स। इनकी फैन फॉलोइंग का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिकेटर्स तक आलम के साथ सेल्फी लेने के लिए मरते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या बकवास चल रही है, न तो यह खूबसूरत है, न सिक्स पैक किब्स है, इसकी फिर लोग इसके दीवाने क्यों है। एक ऐसा भी समय था जब आलम के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते थे और न ही रहने के लिए छत। पेट पालने के लिए आलम ने चने बेचने शुरू कर दिए थे। हीरो बनाने की चाह इतनी प्रबल थी कि आलम ने 2008 में खुद का म्यूजिक प्रोड्यूस कर अपने केबल टीवी पर रिलीज किया। इनके म्यूजिक को लोगों ने खूब पसंद भी किया। आलम बताते हैं कि इनकी शक्ल देखकर कोई भी खूबसूरत महिला इनके साथ काम करने को राजी नहीं होती थी, लेकिन YouTube पर जब इन्हें लोकप्रियता मिलने लगी तो सब सही हो गया। हम सब ने सुना है कि बिना गुड लुक्स या बॉडी के फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाना नामुमकिन है, लेकिन आलम ने इन सब बातों को दरकिनार करते हुए एक सफल अभिनेता बने। आलम उन सभी लोगों के लिए एक आदर्श है जो इन्हीं किसी कारण के कोशिश करने से कतराते हैं।